कानोड नगरपालिका में कांग्रेस पार्षद पति अल्ताफ बागवान द्वारा शहरी नरेगा के जेजीए जयराम मीणा के साथ मारपीट के मामले में सोमवार को जनता सेना संरक्षक व पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने उदयपुर जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल व पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव को ज्ञापन सौंपा है। जनता सेना के प्रतिनिधि मंडल ने कानोड नगरपालिका मामले में केवल पार्षद पति अल्ताफ बागवान की गिरफ्तारी तक ही मामला नहीं रोक करके पालिका में फैले हुए भ्रष्टाचार की जांच और जिन फाइलों को लेकर मारपीट की गई उनका जनता के सामने खुलासा करने की मांग रखी गई। वहीं मनोनीत पार्षद सुशीला टेलर के खिलाफ भी कार्यवाही की मांग रखी है। ज्ञापन में बताया कि 28 जुलाई को कानोड नगरपालिका के जेटीए जयराम मीणा को कांग्रेस पार्षद के पति अल्ताफ बागवान ने मारपीट कर फर्जी बिलों पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया था, जिसके विरुद्ध जनता सेना के पार्षदों व कार्यकर्ताओं ने नगरपालिका का घेराव किया था। जनता की मांग पर उप अधीक्षक वल्लभ नगर ने मुलजिम को डिटेन भी किया था, किंतु विधायक के दबाव में उसे कुछ ही देर में छोड़ दिया गया। हालांकि अगले दिन पुलिस ने उक्त आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन भ्रष्टाचार की जांच भी की जाए, क्योंकि ये वही व्यक्ति है जिसने पिछले साल नगरपालिका के लाखों रुपए के पेड़ बेचकर भ्रष्टाचार किया था, जिसकी शिकायत कानोड थाने में भी की गई थी, परंतु उस पर भी आज तक सत्तारूढ़ पार्टी का कार्यकर्ता होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके बाद कल की घटना हुई, जिससे लगता है कि प्रशासन पूरी तरह से विधायक के दबाव में इस भ्रष्टाचारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती। इस तरह से मनोनीत पार्षद सुशीला टेलर के खेत पर नरेगा कर्मियों से काम करवाए जाने का मामला भी उजागर हुआ था। कांग्रेस के निर्वाचित चेयरमैन व उप चेयरमैन पहले ही भ्रष्टाचार में ट्रैप हो चुके हैं और इस संपूर्ण प्रकरण की जांच कर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। सुशीला टेलर के खिलाफ भी कार्यवाही करें, अन्यथा मजबूरन जनता सेना को आंदोलन पर उतरना पड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन और राज्य सरकार की होगी। इस दौरान कानोड नगरपालिका पार्षद पारस नागौरी, प्रकाश लक्षकार आदि उपस्थित रहे।